Hello, good morning students. Today I am going to teach you the next part of the circulatory system. The transportation of various substances throughout the body takes place with the help of a circulatory fluid called blood. The blood is the main circulation, the main part of the circulatory system, which carries the various substances inside the body of the human beings. तो जैसा हमने आपको पहले के भी वीडियो में बताया है कि the circulation of various substances inside the body takes place mainly with a fluid called blood. The circulatory system in human beings is basically consist of blood, heart and blood vessels. तो हम लोगों ने देखा कि blood जो है वो main component है. उसके बाद ब्लड ही को पूरे बॉडी में पंप करने का जो काम करता है वो हार्ट करता है. उसके बाद जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ये ब्लड फ्लो करता है. ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड विच मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द There are two components of the blood. जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्लड का दो कंपोनेंट है. एक जो है वो उसका लिक्विड कंपोनेंट है और दूसरा जो है उसका सॉलिड कंपोनेंट है. सॉलिड कंपोनेंट द लिक्विड कंपोनेंट इज द ब्लड प्लाज्मा, वेयर एज द सॉलिड कंपोनेंट इज द ब्लड सेल्स. द ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, द आरबीसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स. आपको बताया द WBC दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ब्लड सेल्स जो है उसके बारे में हम लोगों ने बताया था पहले भी आपको. अभी जो है ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड कंपोनेंट इज द ब्लड प्लाज्मा, वेयर द सॉलिड कंपोनेंट इज द ब्लड सेल्स. द प्लाज्मा इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच मेक्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड बाई वॉल्यूम. यानी जितना भी ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन एडल्ट बींग्स के केस में, मेल के केस में, तो उसमें से 55% जो होता है यानी कि मेजर पार्ट जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है. इस लिक्विड कंपोनेंट के अंदर जो है ये सॉलिड कंपोनेंट जो है आपका, जैसे ये ब्लड है पूरा है उसके अंदर जो है ब्लड सेल्स जो है वो इमर्ज होता है. ब्लड सेल्स आर बेसिकली इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा. द प्लाज्मा इज मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर. प्लाज्मा में मेनली जो होता है वो वाटर होता है. अबाउट 90% जो होता है वो वाटर होता है. इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है ये यहाँ पर, फिर इसमें फूड सब्सटेंस भी होता है जो डिजॉल्व रहता है, उसके अलावा हॉर्मोन्स को भी ये कैरी करता है. तो ये बेसिकली 3-4 चीज से ये ब्लड प्लाज्मा आपका भरा है. सो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर अबाउट 90% इन विच मेनी सबस्टांसेस आर डिजोल्व. तो लिक्विड कंपोनेंट है उसमें बहुत सारा सबस्टांस जो है वो डिजोल्व रहता है, इंक्लूडिंग द प्लाज्मा प्रोटीन्स. जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होता है इसमें बेसिकली 4 प्रकार का प्रोटीन्स है. जैसे पहला जो है आपका एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन एंड एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट डिजीजे. तो एंटीबॉडीज भी रहता है. ये 4 प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन्स है. They are about 7%, 90% is water, 6 to 7% is the plasma proteins, and other substances are the salts. Salts is also present in plasma. So, कभी कभी हम लोग अपना ब्लड को कभी अपने मुंह में लिया हुआ तो it will taste like salty, थोड़ा नमकीन टाइप का टेस्ट आता है आप देखते हैं. तो उसमें ब्लड सॉल्ट्स भी रहता है. इस प्लाज्मा के अंदर जो सॉल्ट रहता है कि वो सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स इनसाइड द प्लाज्मा
The other food substances like amino acids, glucose, fats are also dissolved inside the plasma. The hormones, plasma carry the hormones, digested and waste is excretory products. और जैसा हमने पहले भी बताया कि in the plasma the RBC, red blood cells, WBC, white blood cells or white blood corpuscles and blood platelets are immersed. ये इसके अंदर जो है तैरते रहता है, ये immersed रहता है, which makes the 45% ये आपका blood cells है. और ये आपका 55% है, टोटल मिलकर के ये ब्लड का कंपोनेंट बनाता है, विच इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड. एक बात और है कि प्लाज्मा के अंदर जो आपका है प्लाज्मा, इसके अंदर जो है आपका फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन है, चार प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्लस एल्बुमिन, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडीज. तो ये सब प्रोटीन जो है वो उसके अंदर हम लोग रहने देते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर से अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं तो वो सीरम बन जाता है. मीन्स द प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा जो बिना फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होता है, जो कि उसको क्लॉट करने में मदद करता है, आगे हम लोग नेक्स्ट में भी देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के केस में, ये फाइब्रिनोजन जो है अगर हम प्लाज्मा के अंदर से चार प्रोटीन में फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं तो वो कहलाता है सीरम, ब्लड सीरम. तो प्लाज्मा इज द सीरम एंड फाइब्रिनोजन, चारों प्रोटीन को मिलकर के टुगेदर प्लाज्मा है, लेकिन अगर उससे हमको फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं तो वो ब्लड सीरम बन जाता है, जो ब्लड सीरम का हम लोग बहुत बार यूटिलाइज भी करते हैं. सो द ब्लड इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड विच परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस. जैसा हमने देखा कि ब्लड का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट द होल बॉडी, बिकॉज द ब्लड फ्लोज इनसाइड द होल बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. मनुष्य के केस में जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसलिए जो भी वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह कैरी किया जाता है वो ब्लड के जरिए करता है, इसलिए ब्लड हैज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. ब्लड परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस, उसमें पहला फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. द ब्लड हैज इनसाइड द आरबीसी ऑफ द ब्लड विच कंटेन्स द हीमोग्लोबिन विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इनसाइड द टिश्यू ऑफ द बॉडी विच कैरी द ऑक्सीजन इनसाइड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच इज यूज फॉर रेस्पिरेशन. जो श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको कैरी करके पूरे बॉडी के टिश्यू में ले जाता है ब्लड, और उस वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड का ऑक्सीडेशन मदद करता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है. तो मेन फंक्शन जो ब्लड का है विच टू कैरी द और टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. दूसरा फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब ऑक्सीजन जो है वो वेरियस हीमोग्लोबिन के रूप में जब वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद, डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद जब यूटिलाइज हो जाता है, तो द टिश्यू के जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है टिश्यू इनसाइड द टिश्यू द CO2 इज रिलीज. दिस CO2 इज ऑल्सो कैरिड बाय द ब्लड. यही उन टिश्यू के इनसाइड के अंदर जब जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आप देखते हैं कि C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे हमने पहले बताया था कि इनसाइड द टिश्यू रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद उसको ब्लड ही कैरी करके वापस लाता है इनसाइड द लंग्स विच हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो उस बॉडी को उसको जो है लंग्स जो है वो रिमूव करता है. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द लंग्स इज कैरिड आउट बाय द ब्लड. ब्लड के जरिए ही ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाया जाता है और उसको फिर बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है. इसलिए ब्लड का दूसरा काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको आप डिटेल में लिख लेंगे इसको सुन के समझ करके. द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब
The digested food, which is in the simple form, is absorbed and dissolved inside the blood, and the blood carries those nutrients like carbohydrate, that is the glucose in the form of simple form glucose, amino acid, fatty acids, vitamins. These components are first transported into the liver. They goes in the liver and then goes to the various tissue, various body organs. के बाद tissue के पास भी बहुत सारे body पर blood फिर carry करके body के organs तक ले जाता है, उन nutrients का transportation करता है. तो ये काम है उसका. चौथा जो है वो है कि इसका transport of excretory product. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जो वेरियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, जैसे किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है. तो जो वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है, वो वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर ही रिलीज होता है. ब्लड उसको कैरी करके जो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन मेन है किडनी, उसके पास ले जाता है. वहां पर जो है वो प्यूरिफाई होकर के फिर प्योर ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है. So the transport of excretory products is also done by the, is the main function of the blood. Blood का ये काम है कि वो excretory product को भी transport करता है. उसके बाद इस दौरान जो है आपका पांचवा जो है वो है maintenance of pH. जो pH है हमारा body के अंदर जो है उसको रेगुलेट करता है. ब्लड का जो पीएच जो है वो 6.4 स्लाइटली एल्कालाइन जो है वो मेंटेन करके रखता है. ये इंपॉर्टेंट काम है ब्लड का. पांचवा छठा जो है वो आपका है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर यानी हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ब्लड ही जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. बिकॉज ब्लड फ्लोज इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड जो है वो फ्लो करता है. इसलिए वो पूरे बॉडी में जब जाता है तो वाटर लेवल को भी कंट्रोल करता है और उसके जरिए वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ वाटर इज ऑल्सो डन बाय द ब्लड. अदर फंक्शंस में आप देखते हैं कि इसके अलावा जो है आपका ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. हमको बीमारी से भी बचाता है. जो हमारे चूंकि आप डिजीजेज से भी बचाता है, जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है विच मेक्स द डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज विच फाइट अगेंस्ट डिजीजेज. वो बीमारियों से लड़ता है और हमको बचाता है. तो उससे भी ये काम करता है. इसके अलावा ब्लड ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है एक्सेसिव लॉस हमारा बहुत ज्यादा. अगर ब्लड कभी डैमेज होता है कोई पार्ट या कोई कट जाता है या सीवियर मेजर कट होता है या एक्सीडेंट भी होता है तो उस दौरान ब्लड हमारा ज्यादा बहने लगता है. तो फिर कुछ समय के बाद वो ब्लड क्लॉट करता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स की मदद से, जिससे एक्सेसिव ब्लड बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने से बच जाता है. इसलिए ब्लड जो है ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. उसको थक्का बनने में, रक्त को जमने में मदद करता है, जिससे हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता है. तो ये ब्लड का फंक्शन है. द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड विच है वेरियस फंक्शन. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. नाउ द नेक्स्ट सर्कुलेटरी कंपोनेंट द नेक्स्ट इज द हार्ट, ह्यूमन हार्ट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द structure and function of heart. Thank you.